हेलो गाइस, वेलकम टू पीएल एसक्यूएल ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर इन हिंदी सीरीज। दोस्तों, ये हमारी पीएल सीक्वल की सबसे पहली वीडियो है। इसमें हम सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि पीएल एसक्यूएल क्या है और ये कैसे हमारे डेटाबेस में कैसे वर्क करता है। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं कि पीएल एसक्यूएल क्या है। तो सबसे पहले अगर हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि पीएल एसक्यूएल आखिर बनाया क्यों गया जब हमारे पास एसक्यूएल पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, यानी कि सीक्वल अगर हमारे पास पहले से ऑलरेडी है तो पीएल एसक्यूएल क्यों आया। तो बेसिकली पीएल एसक्यूएल क्या है, ये एसक्यूएल का एक्सटेंडेड वर्जन है। यानी कि एसक्यूएल तो है ही, इसके अंदर साथ में प्रोग्रामिंग फीचर भी है, यानी कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग फीचर भी है इसके अंदर, पीएल एसक्यूएल के अंदर। तो इससे क्या होगा कि डेटाबेस की जो भी हम क्वेरी रन करते हैं उसमें हम प्रोग्रामिंग की भी कॉन्सेप्ट को यूज करके कर सकते हैं। यानी कि जो हमारे उप्स के कॉन्सेप्ट थे, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के जो भी कॉन्सेप्ट थे, सारा कुछ हम पीएल एसक्यूएल के अंदर यूज कर सकते हैं और हम अपने डेटाबेस को एक प्रोग्रामिंग की हेल्प से भी फेच कर सकते हैं। तो पीएल एसक्यूएल बेसिकली सीक्वल प्लस प्रोग्रामिंग का एक कंबाइंड फीचर इसके अंदर पीएल सीक्वल के अंदर है। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें पीएल एसक्यूएल की, तो ये ओरेकल कॉर्पोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया था ये 90s में। और जैसा कि आपको पता है कि सीक्वल के अंदर बहुत सारी क्वेरी हम रन करते थे, अब हम पीएल सीक्वल के अंदर एसक्यूएल की क्वेरी, यानी कि सीक्वल की क्वेरी तो हम रन करेंगे ही करेंगे, साथ में हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के भी क्वेरी को हम रन कर सकते हैं यहाँ पे। अब फीचर की बात करें इसके अंदर पीएल सीक्वल के फीचर क्या है, तो सबसे पहली बात जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि ये इंटीग्रेटेड विद एसक्यूएल है, यानी कि ये एसक्यूएल के साथ है, यानी कि उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। एसक्यूएल तो है ही, साथ में प्रोग्रामिंग फीचर भी है। इसके अंदर एरर चेकिंग सिस्टम भी है, यानी कि अगर आप अपने क्वेरी में कोई एरर अगर जनरेट कर देते हैं, यानी कि बाय मिस्टेक कोई उसमें रॉन्ग सिंटेक्स अगर टाइप कर देते हैं, तो आपको वहां पे एट अ टाइम एरर आपको जनरेट होकर मिल जाएगा, और कौन सी लाइन में है, कौन से कॉलम में, वो आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा इस पीएल सीक्वल के क्वेरी में। और इसके अंदर बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं, जैसे कि वेर कैर हो गया, वेर कैर टू। सीक्वल में जैसे आपको पता है कि कैर था, वेर कैर था, और भी बहुत सारे उसमें डेटा टाइप थे। और यहाँ पे अगर हम पीएल सीक्वल की बात करें तो इसके अंदर वो सारे डेटा टाइप तो होंगे ही, कुछ एक्सटेंडेड डेटा टाइप भी होंगे जो आपको देखने को मिलेंगे जब हम प्रोग्राम बनाएंगे। और ये प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, और इसके अंदर प्रोसीजर फंक्शन ये सारे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है, तो इसके अंदर हम प्रोग्रामिंग की लॉजिक को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपने पीएल सीक्वल के क्वेरी में। वेब एप्लीकेशन और सर्वर पेजेस के लिए ये हेल्पफुल है। तो ये सारे फीचर है पीएल सीक्वल के। तो आगे की वीडियो में हम देखेंगे इन्वायरमेंट सेटअप, यानी कि पीएल एसक्यूएल की क्वेरी को रन करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना होगा, कैसे क्या करना होगा, सारा कुछ हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और हमारी ये ट्यूटोरियल सीरीज अगर आपको अच्छी लग रही, अगर आप पढ़ना चाहते हैं पीएल एसक्यूएल के बारे में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अगर कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट करते जाएं, मैं आपको तुरंत के तुरंत रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं आगे एक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।